यस फ्रेंड्स, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑफ वेरिएंसेस के क्वेश्चंस किए थे, अब हम उसकी प्रॉब्लम करेंगे। ये स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है स्टडी मटेरियल की 25 नंबर प्रॉब्लम है, सिंगल प्लान की। पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल है इतना, डायरेक्ट लेबर है, डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट बी की अलग अलग दी है। ओवरहेड्स दे रखे हैं डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट बी के। तो टोटल हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है 20 रुपीज 95 पैसे। मटेरियल जो ट्रांजेक्शन है वो दे रखे हैं, मटेरियल परचेज किया हमने इतना, लेबर आवर इतना स्पेंड किया। देयर इज नो चेंज इन लेबर रेट, अंडरलाइन करें। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, यूनिट प्रोड्यूस दे रखे हैं, बजटेड आउटपुट बजटेड ओवरहेड दे रखा है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन अंडर सिंगल प्लान। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये समझ ले। देखिए, हमको जो ट्रांजेक्शन दी है, पहले उन ट्रांजेक्शन से हम लोग वेरियंसेस निकाल लेंगे और फिर वेरियंसेस के बाद हम लोग उनके आगे सम करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा, जैसे मटेरियल लेबर सभी के वेरियंसेस हम निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखी है सभी की, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे वेरिएंसेस, इससे क्या हमें इजी रहेगा क्वेश्चन को करना। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं ये स्टडी मटेरियल की 25 नंबर प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं मटेरियल वेरिएंसेस। एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा, 2800 यूनिट्स का। मटेरियल वेरिएंसेस में हमको जो चार चीजें चाहिए होती हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो कितना है 2800 × 3 8400 पीसेस। स्टैंडर्ड प्राइस हमको दे रखी है 2 रुपए 15 पैसे। थोड़ा सा बुक आप साथ में ले लें। एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज की है हमने और कंज्यूम भी करी है, एंड कंज्यूम्ड, वो 8600 और एक्चुअल प्राइस जो है वो हमारी है 2 रुपीज 50 पैसे।
तो अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू 2.15 माइनस 2.50 इंटू 8600। तो ये कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आता है। ये आएगा आपका 3010 एडवर्स। मटेरियल यूजेस वेरिएंस की बात करें तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू कितना है 8400 और एस ए क्यू कितना है 8600। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेबर वेरिएंस की। वेरिएंस कैलकुलेट करने से आपको थोड़ा इजी रहेगा। स्टैंडर्ड रेट अगर हम बात करें तो जो डिपार्टमेंट ए है इसका क्या रेट है, स्टैंडर्ड रेट देखें जरा। स्टैंडर्ड रेट है 1.75 पर आवर, और डिपार्टमेंट बी का जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 1.5 पर आवर। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट की बात करें अगर हम, तो डिपार्टमेंट ए के जो आएंगे वो 2800 इनटू 2 5600, और डिपार्टमेंट बी के आएंगे 2800 इनटू 4 11200 आवर्स। एक्चुअल आवर्स जो हैं वो दे रखे हैं डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी के, कितने हैं 5200 आवर्स एंड 12000 आवर्स। ठीक है, ओके। और एक्चुअल रेट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड रेट के बराबर है, लिखा हुआ है ना। सो लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, नील होगा, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, डिपार्टमेंट ए का निकालेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये आ जाएगा हमारा 700 700 फेवरेबल। और डिपार्टमेंट बी की बात करेंगे तो 11200 माइनस 12000 इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आ गया 1200 एडवर्स। ठीक है ना, जब हम एक बार वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे ना तो हमारी कैलकुलेशंस एग्जाम के मतलब एंट्रीज के लिए बड़ी इजी रहेगी। अब हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस करेंगे। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में देखिए आवर्स तो सेम ही रहेंगे, जो लेबर आवर्स निकाले हमने, रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की, तो लेबर में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, वही आ जाएंगे 5600 आवर्स एंड 11200 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट जो दे रखा है डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का वो है 0.5 रुपीस पर आवर्स और इसका है 1 रुपीस पर आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स जो हैं वो हमारे जो एक्चुअल लेबर रेट के आवर्स हैं वही आ जाएंगे, ये है 5200 आवर्स और ये 12000 आवर्स, और एक्चुअल रेट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा लिख देते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है। एक्चुअल
वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होगा एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, तो वो डिपार्टमेंट ए का दिया है, डिपार्टमेंट बी का दिया है, ये 3000 एंड ये 12500। डिपार्टमेंट बी का है 12500, ठीक है। सो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? वो होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। तो अगर हम डिपार्टमेंट ए का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5200 इंटू 0.5 माइनस 3000, और डिपार्टमेंट बी का होगा 12000 इंटू 1 माइनस 12500। तो ये देखेंगे, ये आ जाएगा 400 एडवर्स, इसका आएगा 500 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो डिपार्टमेंट ए का निकालें और डिपार्टमेंट बी का निकालें। स्टैंडर्ड आवर है 5600 इनटू 0.5 माइनस 5200 इनटू 0.5, ये आ जाएगा आपका 200 फेवरेबल, और इसमें आएगा 11200 इनटू 1 माइनस 12000 इनटू 1, ये आएगा आपका 800 एडवर्स, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल ओवरहेड निकाल दिए। अब है हमारा एक्चुअल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड की। चलिए फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में पहले हमें निकालना है, देखिए इसमें हमको बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं, डिपार्टमेंट ए के दे रखे हैं 3000 और डिपार्टमेंट बी के दे रखे हैं 12000। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे रिकवर्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड एंड बजटेड ओवरहेड। हाँ जी, इसमें एक गलती हो गई है, मैंने इनको वेरिएबल मान लिया है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन में वेरिएबल और फिक्स अलग अलग नहीं लिखा है, क्वेश्चन में जो लिखा है वो ओवरहेड लिखा है। तो ओवरहेड का मतलब है ये फिर फिक्स्ड ही है, क्योंकि यहां पर कोई वैसे कैलकुलेशन नहीं दी हुई है वेरिएबल और फिक्स की। तो ये जो हमने वेरिएबल वेरिएबल वर्ड यूज किया है, ये वेरिएबल वेरिएबल जो हमने यूज किया है, इसकी जगह आप वेरिएबल वर्ड हटा दें, ये वेरिएबल वर्ड हटा दें, ओवरहेड ही वर्ड रख लेते हैं। तो ओवरहेड फिर जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा वो आएगा हमारा बजटेड ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड कितने हैं हमारे? बजटेड ओवरहेड है 3000,
एंड 12,000, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला लगता है वेरिएबल के केस में। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में ये तो हमारा आ जाएगा निल और ये आएगा 500 एडवर्स, ठीक है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस, चलिए एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसे ही निकलेगा। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस से पहले हमारा निकलता है ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 होगा ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। तो डिपार्टमेंट ए का आप निकाल चुके हैं, डिपार्टमेंट ए का रिकवर्ड कितना था हमारा 2800, बजटेड है 3000, तो 200 एडवर्स। और डिपार्टमेंट बी का रिकवर्ड था 11,200 और बजटेड था 12,000, तो 800 एडवर्स। अब वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर पार्ट होते हैं, वो होता है एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो 2A हो गया आपका एफिशिएंसी एंड 2B मैं नीचे लिख रहा हूं वह ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। तो डिपार्टमेंट ए का अलग निकलेगा, डिपार्टमेंट बी का अलग निकलेगा। स्टैंडर्ड ओवरहेड देखिए कितने थे आपके 2600 और बजटेड थे 3000, 400 एडवर्स। और इसमें आएगा आपका 12,000 माइनस 12,000, तो ये आपका निल, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे जो वेरिएंसेस की जरूरत पड़ती है, पहले हमें ओवरहेड यानी कि एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, और फिर वॉल्यूम का जो पार्ट होगा वो होगा एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, ठीक है। थोड़ी सी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग में मैंने गलत एज्यूम कर लिया था तो इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे इनकी एंट्रीज, जरा यहां ध्यान से समझिएगा एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, हमने मटेरियल परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, मटेरियल परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर और बैंक। एंट्रीज तो आप जानते हैं, अब इनकी वैल्यू समझिएगा कैसे कैलकुलेट मैं कर रहा हूं। सप्लायर एंड बैंक जो होगा वो होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस होगी आपकी 8600 इनटू 2.5, ठीक है। तो ये होगा आपका 21,500 और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, दैट इज 8600 इनटू 2.15।
ये होगा आपका 18,490 से। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या आएगा, वो डिफरेंस होगा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वो कितना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 3010। एडवर्स आया था इसलिए डेबिट में आएगा। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये जो प्राइस होती है ये ग्रे होती है, मतलब ये ग्रे एरिया में होती है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज। तो जब आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज है ये ऑटोमेटिकली आएगी, ये ऑटोमेटिकली आएगी। तो ये अपना जो डिफरेंस होगा वो प्राइस वेरिएंस है, और आपने देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा था तो वो आया था। ठीक है, अब हम दूसरी एंट्री बात करेंगे। दूसरी एंट्री होगी मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम भी हुआ ना, तो मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से, और WIP कंट्रोल डेबिट होगा आपका किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था, बताया था ना, 8400 इनटू 2.15, और ये आ जाएगी 8600 इनटू 2.15। ये होगा 18490 से और ये होगा 18060 से। तो बैलेंस जो रहेगा 430, ये क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली ये कहलाएगा आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस, एस क्यू माइनस ए क्यू, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस हो गया। अब हमने मटेरियल खरीदा और मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू भी कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अगला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन होगा कि भाई ये हमने जो लेबर थी ना लेबर पे की, तो तीसरा ट्रांजैक्शन वेजेस पेड की हमने, तो इसमें क्या लिखोगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो आपकी रेट थे उनमें कहीं कोई फर्क नहीं था, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट सेम थे, तो डिपार्टमेंट ए की अलग लिख दें और डिपार्टमेंट बी की अलग लिख दें। ये 5200 इंटू 1.75 और ये 12,000 इंटू 1.5, ये हो जाएगी आपकी 9800 नहीं, ये 9800 नहीं होगी, एक मिनट देखो इसको जरा, 10,400 में से ये होगी आपकी 9100 और ये होगी आपकी 18,000, 27,100। एक्चुअल रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट, सो नो लेबर रेट वेरिएंस। अगर मान लो एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस होता तो क्या होता, एग्जैक्टली यहां पर लेबर रेट वेरिएंस आ जाता है।
अब वेजेस ट्रांसफर टू प्रोडक्शन, जब वेजेस प्रोडक्शन को ट्रांसफर करोगे तो इसमें आप अलग अलग करोगे, डिपार्टमेंट ए की अलग करोगे और डिपार्टमेंट बी की अलग करोगे। यहां पर लिखोगे डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट और यहां पर आएगा एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर्स थे जो इसके, वो थे 5600 इंटू 1.75, ये होगा 9800, और एक्चुअल आवर थे 5200 इंटू 1.75, ये होगा 9100। तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 700, ये फेवरेबल था। डिपार्टमेंट बी का लिखें डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट स्टैंडर्ड आर इन टू स्टैंडर्ड रेट, दैट इज 11200 इंटू 1.5 टू वेजेस कंट्रोल, वो कितना होगा, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट 12000 इंटू 1.5, तो ये 18000 हो गया और ये होगा आपका 16800, तो ये 1200 डिफरेंस आएगा, ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम सिंगल प्लान में जाते हैं तो एंट्रीज ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। उसके लिए आपको अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम ओवरहेड की बात करेंगे। ओवरहेड जो हमने पेड किए तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये ओवरहेड तो हमने पे कर ही दिए ना, सीधा हम ओवरहेड चार्ज कर देते हैं। अब हम ओवरहेड की बात करेंगे, ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चार्ज किया हमने ओवरहेड को, डिपार्टमेंट ए की बात करें और डिपार्टमेंट बी की बात करें। तो डिपार्टमेंट ए में जाएगा वो क्या होगा, जब ओवरहेड एंड ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में तो वो लिखा जाएगा हमारा, नहीं नहीं उसको ओवरहेड पेड करके ही लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको ऐसे लिखें, अलग अलग करें, पहले हमने मान लीजिए ओवरहेड इनकर्ड किए, ओवरहेड इनकर्ड किए, तो जब हम ओवरहेड इनकर्ड करते हैं तो हम लिखेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये डिपार्टमेंट ए की बात कर रहे हैं अभी हम, तो डिपार्टमेंट ए में यहां तो आ जाएंगे हमारे एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए के कितने हैं 12500, और यहां पर आएंगे हमारे बजटेड ओवरहेड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड की, तो ये आएगा हमारा 12000,
तो जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट की नहीं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा वो कितना होगा, 500 एडवर्स, ठीक है ना। बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, कंट्रोल में हम डेबिट बजटेड करेंगे। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी की बात करें, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये डिपार्टमेंट बी ही कर दिया हमने, अब नीचे ए करेंगे। तो बजटेड ओवरहेड कितने थे डिपार्टमेंट ए के, 3,000 टू बैंक, यहां पर आएगा एक्चुअल ओवरहेड कितने, एक्चुअल ओवरहेड भी 3,000 है। तो बजटेड और एक्चुअल जब सेम है तो यानी कि कोई एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। अब ओवरहेड चार्ज करेंगे हम कहां पर, प्रोडक्शन में, डिपार्टमेंट ए, यहां पर आएगा हमारा डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट में क्या है आपका, आएगा यहां पर रिकवर्ड ओवरहेड, और यहां पर आएगा आपका बजटेड ओवरहेड। तो डिपार्टमेंट ए का बजटेड ओवरहेड था 3,000 और रिकवर्ड ओवरहेड होता है आपका 2,800। तो ये आपका ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हुआ कितना, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हुआ आपका 200 एडवर्स, ठीक है। और डिपार्टमेंट बी की बात करें अगर हम, तो डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल, यहां पर आएगा रिकवर्ड, रिकवर्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट बी का जो था वो था 11,200, और यहां पर आएगा आपका बजटेड वो है आपका 12,000। तो 800 आपका ये ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, ठीक है, रिकवर्ड और बजटेड का डिफरेंस। अगर आप ये एंट्री पास नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, तो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को भी फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं, इसमें ओवरहेड एफिशिएंसी और ओवरहेड कैपेसिटी में। बट मैंने आपको बताया था रिकंसिलिएशन में हमें जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम उसको नहीं आगे ले जाते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट ले जाएंगे। अब सारा जो डब्ल्यू आई पी है वो डब्ल्यू आई पी सारा ट्रांसफर कर देंगे डब्ल्यू आई पी को हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड्स में, एक बार डब्ल्यू आई पी का टोटल कर लीजिए, तो वो आएगा आपका फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट। और जब ये डब्ल्यू आई पी अकाउंट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर सारे लेजर्स बना देंगे। नाउ प्रिपेयर ऑल
लेजर अकाउंट। तो कैसे, सबसे पहले हम बनाते हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ऐसे ही बनते हैं ना लेजर सर। फिर इसके बाद बनाएंगे हम लोग वेजेस कंट्रोल अकाउंट। फिर बनाएंगे हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर अगले पेज पे हम बनाएंगे WIP कंट्रोल अकाउंट एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में हमारा डेबिट क्या होगा, यहाँ पर सप्लायर और बैंक 18490 से, ठीक है। क्रेडिट करेंगे WIP को 18060 से और क्रेडिट करेंगे बाय मटेरियल यूजेस वेरिएंस 430 से और ये टोटल हमारा टैली हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट चलिए हम लोगों ने एक इस तरीके का एरिया लिया है तो करेंगे। अब हम बात करेंगे टू बैंक, यहां पर आ जाएगा 27100 बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। ये डिपार्टमेंट एक ही जब हमने ट्रांसफर की थी तो एंट्री उसकी आ जाएगी 9800। तो इसमें लेबर एफिशिएंसी निकला था फेवरेबल 700। फिर WIP कंट्रोल अकाउंट में गया था डिपार्टमेंट बी 16800, तो इसकी जो 12 से थी वो लेबर एफिशिएंसी हमारा एडवर्स निकला था और इसको हम टोटल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 27800, 27800, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की। ओवरहेड कंट्रोल में जो हमने एंट्री पास की, पहले हमने ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री पास की, तो हमने लिखा उसमें टू बैंक 12000 रुपए। इसके बाद हमने ट्रांसफर किया WIP में, तो बाय WIP कंट्रोल पहले हमने डिपार्टमेंट ए को ट्रांसफर किया, वो हमारा 2800 था और 200 रुपए इसमें बाय ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आया, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, ये वॉल्यूम वेरिएंस था। फिर हमने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया, वो था हमारा 11200। तो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इसमें आया 800 और ये इस तरीके से हमारा ये डिपार्टमेंट बी के थे 12000 और टू बैंक ये डिपार्टमेंट ए के थे 3000। तो ये ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हमारा पूरा 15000 से टैली हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब हम बनाएंगे WIP कंट्रोल अकाउंट। यहां सब जगह से पैसा आ रहा था, मटेरियल कंट्रोल से आया कितना 18060, लेबर कंट्रोल
डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी की, या वेजेस कंट्रोल लिख लें लेबर कंट्रोल की जगह, अगर हम वेजेस कंट्रोल लिखें तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, लेबर की जगह वर्ड यूज करो वेजेस कंट्रोल। तो डिपार्टमेंट ए का आया था 9,800 और डिपार्टमेंट बी का आया था 16,800। और तीसरा लिखेंगे हम ओवरहेड कंट्रोल, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट ए का 2,800 और डिपार्टमेंट बी का 11,200। इन सब का टोटल, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कोई भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो इन सब का टोटल वो था WIP, वो टोटल हुआ था हमारा 58,660 रुपये। तो 58,660 ये हमारा चला गया फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, और इस तरीके से हमारा ये टैली हो गया। ये बाद में जो एंट्री करी है ये बच्चों वाली एंट्री है, बट ठीक है, ये भी एक जरूरी एस्पेक्ट होता है एग्जाम क्वेश्चन का, तो इसलिए इसे करना जरूरी था। इन्होंने क्वेश्चन बोला था कि रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन, तो मैंने आपको बताया कैसे रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन को हम वेरियंस से निकाल लेंगे, उसके बाद उनकी एंट्रीज पास कर देंगे। इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था इसलिए इसे कर लिया गया है।